the man responsible of making me an actor is Shah Rukh Khan. This, for this crime, he should not be forgiven. But he did it for a good sense, being grateful to me for something which I did it for myself, not for him. But he took it for himself. Very nice man, very good man, loving man. He used to touch my feelings, he respected me very much. But I broke off that relation on my own completely, because I don't want to be an actor. I don't want to be an actor, I want to be a director. He could not be any help to me. And maine chhod diya, reh gaya. Kya faisla tha mera, kaisa tha, maine chhod diya. Baki, if I am anywhere, I am because of my wife. Most illiterate woman, she could read only Hindi ke aakha kaaga janta tha, janti thi, aur saat sur wo harmonium ko baja leti thi. Shayad mere se ek saal badi, lekin hua yun, yahan tak pahuncha kaise main. Pakistan banne se pehle main Prithviraj ka nephew aur Prithvi Chand ka beta karke mera, meri 3-4 mangniyan ho gayi, khatam ho gayi. Mere baap ko dusri achhi lag gayi, koi udhar ko acha lag gaya, meri maa ko koi acha laga, sab chalta rehta. Ki mangniyan nahi hui, nahi thi, fix nahi hui thi, par ye sab chalta raha. Yahan aa gaya Bombay. Yahan Bombay aaye the bade film director the, bade tagde Namcheen. Unki niece gayi Burma se aayi, लुट पुट के आए वो फैमिली, उनका उनके बहनोई की डेथ हो चुकी थी. तो उन्होंने अपनी मंगनी, मैं उस उनकी बेटी ने नीस का टीचर था, मैथ सिखाता, पड़ोस में ही रहता था. तो करते करते उनको मेरे को ख़ास नहीं लगी. अब कोई भी एक्टर, कोई भी फिल्म वाला होता है ना, वो आउट लड़की लुड़की हो जाए तो बाजू में बाज नहीं आता, कोई ना हरकत सोचते बुरा, अच्छा ये बुरा सोचते, कुछ नहीं, बाज नहीं आता. कोई भी हो, कोई भी हो, आई डोंट से एनीथिंग, कोई कुछ बुरा करे या ना करे, बट मैं सोचता ज़रूर है. मैं नहीं सोचा. एक दिन उनका मैसेज आया, उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट टू गेट यू एंगेज टू माई नीस. मैं जी, मैं फैसला करने वाला कोई नहीं, फैसला तो प्रिंसिपल कपूर करेंगे. कहने मैं फिर उनसे मिलने जाऊँगा, मैं बात मेरी टाइम तय कर दे, मैं जाता हूँ बात करने. मैंने उनसे पापा जी से कहा, पापा जी ऐसे ऐसे कर, मैं रहता कहीं और था, पापा जी ऐसे एक लड़की, कहते लड़की वाले क्यों हमारे घर आएंगे, आई विल गो टू देयर हाउस. वो आए, फिर उन्होंने तय कर दिया, लड़की उनको अच्छी लगी, तय हो गया. तय हो, जब मंगनी जिस दिन हुई, बड़ा बाजा गाजा बजे, तो पहुँचे, जो लड़की देखी तो मैं ही गज खा गया. वो पहले बर्मी ड्रेस में थी, आज वो पंजाबी ड्रेस में, तो गुत की. आई वॉन्ट नॉट वेरी प्रिटी. अब मैंने कहा, और उस नेक्स्ट डे उन्होंने, उसके मामा ने कहा कि तुम इससे मिल नहीं सकते, अब तुम मिलोगे तो मंगनी तोड़ देंगे. तो मैं कहूँ यार, मैं तो बाजू में रहता था, गली तो हुई थी, तो बीच बीच में देखता था. पीछे उनके क्राइस्ट का स्टैचू था उनके घर के पीछे, वहाँ कैंडल चलाने जला जाता था ताकि उस बहाने शायद मिल जाए, दिख जाए. खैर, फिर चिट्ठी आई उनकी, देन वी स्टार्टेड ऑन द मी सी आई, देन वी फेल इन लव विद ईच अदर. देन मामा को पता चला, उन्होंने मंगनी कैंसिल कर दी. मंगनी कैंसिल कर दी, फिर डिसाइड किया कि हम भाग चलें. हम एलोप करने वाले थे, मिसेस राजकपूर एलोप करने, राज साहब ने मेरी टिकट बुक कर दी और मेरे को बुक कर दिया कि यू गो टू चंडीगढ़. वहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस सुपरिटेंडेंट पुलिस है, उसके घर मेरे को पक्का कर दिया. वहाँ कोई तेरे को पकड़ेगा नहीं, पता नहीं, तुम लड़का लड़की वहाँ दोनों भाग जाओ. मैं 2 बजे की भागना था ना, 4 बजे भागना था, 2 बजे घर पे हम सब इकट्ठे हुए. 2 बजे इकट्ठे हुए तो राज साहब, मिसेज राज कपूर चंबूर में मटुंगा में थी, उनको पता चला कि वहाँ को राज साहब तबीयत घर आए हुए हैं, दारू भी उन, वो घर आ गई, वो समझी कि राज साहब की तबीयत ठीक नहीं है. क्या लगा, उन्होंने कहा लेख भाग रहा लड़की के साथ.
हमने बंदोबस्त कर दिया इसका, जो जूता पड़ा मैं को, जो डांट पड़ी राज साहब को, कल आपकी बेटी भाग जाए तो क्या करेंगे आप, आपकी इज्जत रहेगी क्या? आपको अकल की बात करो, करना जाके उसके मामा से बात करो कि वो मंगनी ना तोड़े, कुछ उल्टा तरीका सोच रहे हैं आप। फिर सोचते ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट करने की आदत होती है, तो फिर बात मेरी टूट गई मंगनी। मैं भी वो बेचारी खड़ी रही, मैं घर में बैठ गया, वो शी वॉज वेटिंग फॉर मी कि मैं उसको पहुँच के आई टेक टू द एयरपोर्ट एंड गो फ्रॉम फ्लाई फ्रॉम देयर, वो वहाँ खड़ी रह गई। खैर कुछ साल बाद मेरी वाइफ मदर ने कहा कि तेरी से मंगनी करते हैं, मंगनी करने। तो मैंने कहा मुझे देखनी नहीं लड़की, जितनी यहाँ करते हो कर दो, आई डोंट वॉन्ट, मुझे कोई लड़की नहीं देखी, जो फीस करोगे मुझे पसंद है। ओ वो लड़की मैं चंडीगढ़ में बम्बे दिल्ली सेंटर कनॉट प्लेस में एक रेस्टोरेंट था, होटल था, कॉन्टिनेंटल होटल क्या नाम था, उसमें मैं ठहरा हुआ था क्योंकि मैं शूटिंग करने जा रहा था। तो वो लड़की वाले आ गए, मैं जी मुझे कोई नहीं देखना, जो मर्जी कर दो, हो गए। वो मैं मंगनी होने लगी, जब मैं शादी में देखा उसको लड़की को बैठे, मैं माथे पे हाथ मारा, मेरी मातमारी देख लेता तो अच्छा था, इससे शादी तो ना करनी पड़ती, अब करनी पड़ी, अब टूट भी नहीं सकती कि मेरे बाप, वी आर दी ओल्ड वैल्यूज, आई कॉन्ट इंसल्ट माई पेरेंट्स, अब तो मुझे निभानी पड़ेगी। आई भर में तो उसी दिन राज साहब कहने, आप यहाँ ऐश करोगे कि एडिटिंग भी चलोगे? मैं जी मैं एडिटिंग चलो, मैं एडिटिंग चल पड़ा, मैं उनको मिलूँ ही ना, मेरी बातचीत ना हुई लड़की, मतलब माई वाइफ को बातचीत ना हुई। वो साहब वो तंग आ गई, 3 महीने एडिटिंग चलती थी, फोटो हम घर ही नहीं थे, तो उन्होंने डिसाइड किया शी वॉन्ट्स टू गो बैक टू बॉम्बे, दिल्ली मैं जाई, मैं भी फट कर देती यार, चली गई दिल्ली, दिल्ली चली गई। दिल्ली से के बाद 2 महीने के बाद मेरी मदर का टेलीफोन आया, इफ़ शी इज़ कमिंग बैक, इफ यू बिकेम रूड, इफ़ यू डिंट रिसीव प्रॉपरली, यू रिमेंबर वन थिंग, व्हेन आई कम टू दिल्ली आई एम गोइंग टू बीट यू अप। अगर नहीं माता जी, मैं डर गया, मेरी मदर को ऐसी जबान नहीं बोलती थी। आया लेने गया, देख के आया तो क्या, मैं कहा तुम, मैं चलता हूँ, कह रहे थोड़ी देर ठहर जी खाना खा के जाइए। मैं कहा भाई यार मैं जाता हूँ वहाँ काम, वहाँ खा लूँगा, खा नहीं खाना खा के जाइए ना, मैं दो मिनट बना दी। खाना बनाया, मैंने पूछा मेरी माँ कहाँ है, मैं फर्स्ट रिएक्शन, कहते नहीं वो तो नहीं आई, मैं खाना मेरी माँ का तुमने नहीं बनाया, कह रहे नहीं तुम वहाँ से लाइयो दिल्ली से, कह रहे नहीं नहीं मैंने अभी आपके सामने तो बनाया। दैट द बिगनिंग ऑफ रोमांस दैट स्टार्टेड। एंड एक दिन वो मेरे अमरपारी की शूटिंग चल रही थी, तो ड्राइवर मेरा रशीद था, वो रशीद कहना अंदर आ, मैं क्या हुआ रशीद, कहना भाभी जी आई, मैं कहाँ है, कहना भाभी जी तो बाहर हैं। मैंने कहा रशीद कहने का भाभी जी हैं, मैं चल पड़ा बाहर को, बाहर गया तो गाड़ी में बैठी स्टूडियो के कंपाउंड के बाहर, मैं क्या हुआ कोई गड़बड़ होगी, कहता होगी, मैं क्या हुआ, कहता आप बहुत बदकिस्मत हो कि आपकी शादी मुझसे हुई, वो लड़की को आज मैंने देखा, क्या खूबसूरत लड़की है, क्या सेंसिबल लड़की है, आपकी हो जाती शादी, तो मैं हूँ लकी, मेरे आप मेरे पहले, मैं आपके पहले पड़ गई, आप मेरे पहले पड़ गए, आप रोएंगे सारी जिंदगी, लेकिन वो लड़की कमाल है। मैं थोड़ी देर मैं भी सोच किया, अब तो कुछ हो नहीं सकता, मैं मन में सोचा, उसने नहीं कहा मैं अपनी वाइफ, डॉक्टर साहब उस शी स्टार्टेड कीपिंग, उन्हें कहा मैं 40 मंडे के फास्ट रखूंगी जब तक इसकी शादी नहीं होती, 30वें फास्ट पे उसकी शादी होगी, देन ऐसे ना तो स्टॉप बंद कर दें। एक दिन एक फंक्शन था, फंक्शन में गए तो धर्मेंद्र साहब आए थे, मैं स्वर्ण में 2 मिनट धर्मेंद्र जी को मिल के आता हूँ, मैं वहाँ से खड़ा हूँ धर्मेंद्र जी के पास, बहुत क्राउड फंक्शन थी, क्राउड तो क्रिसमस थी, होटल के अंदर क्राउड था, तो मैं देखा मेरी वाइफ के पास एक अंग्रेज बातें कर रहा, मैं कहा मर गए मेरी बीवी तो बात ही नहीं कर सकती, उसको अंग्रेजी आती नहीं है, तो भागा ताकि उसकी मदद करूँ,
जब मैं पहुंचा तो देखा तो मेरी बीवी अंग्रेजी बोल रही है एंड वो आदमी रो रहा है. शी सेड मीट माय हस्बैंड, कहते माय सिस्टर इज डाइंग ऑफ कैंसर इन लंदन. There was a film unit of some American, British film that was shooting here. So, uska production manager tha. Usne kaha, she just looks my sister, who is dying of cancer. And today is Christmas, we got to get together. There she is waiting at my house, and I am seeing my sister here. And I hug her. They hugged each other. Maa gaya chala, bichara, roll roke. मैंने पूछा तुमको अंग्रेजी कहाँ से आ गई. खरी आप जाते हो तो बच्चे ट्यूटर आता है ना अंग्रेजी बच्चों को पढ़ाने, तो मैंने भी वहाँ से क्लास ज्वाइन कर ली. मैं भी अंग्रेजी वहाँ से सीख रही. शी लर्निंग नॉट इन डे की बात नहीं है, शी लर्निंग इंग्लिश फॉर इन द डे टाइम. आई एम नॉट एट होम, आई एम इन माय ऑफिस, बट शी हैज लर्न इंग्लिश बाय द टाइम. इन 3 years शी लर्न हो गया, ये भी हो गया. और जो कमाल की चीज़ें उनकी बहुत सी हैं. कह लगे कि मैं बर्बाद हो गया, मेरे पे इंटर अटैचमेंट के नोटिस आ गए, मुझे घर बेच के लोगों को पैसे देने पड़े. आई सोल्ड माय हाउस, रिप्लेस द मनी विद द लॉयर, जो डिवाइड करने कर लो करके मैं एक मकान बांद्रा ईस्ट में अपने किराए पे दे दिया. वहाँ रहने लगा, वहाँ रहने लगा. एक रात को 12-1 बजे एक आदमी, 1 बजे बेल बजनी शुरू हो जाती, मकान की एक आदमी आ जाता, दरवाज़ा खोला. मैंने जाके मैं कहा ये क्या है, क्या है? मैंने को उसको पहचान ही नहीं, अंधेरे में क्या पहचान. कह रहा साहब आप किधर अटर्नी साहब? मैं कह जी हमें अटर्नी साहब हूँ. कहना आपने मेरा 45,000 रुपये दिया, मैंने हुंडी पे पैसा दिया था आपको, मैं चला गया सिंगापुर और अभी मेरी एड्रेस आपका पता है, अभी पता लगा मेरी हुंडी तो दीवार होगी, मैं तो मर गया ना. मैं कहा आइए भाई साहब, मेरी वाइफ ने कहा भाई आप अंदर आइए पानी पीजिए चाय. उन्होंने चाय बना के दी, कुछ खाने को दिया. उन्होंने कहा नई हुंडी लाए आप? मेरी वाइफ ने कहा मेरे को ये गुस्सा है कि ये 100 दिन हो गया हुंडी को, ये इसकी क्या हिम्मत के मुझे कल पैसा नहीं देना पड़ेगा. अगर दीवार होगी हुंडी तो मुझे पैसा, आई डोंट हैव टू पे. मेरे तो ये 45,000 बच गया ना देना पेमेंट करनी. मेरे को बड़ा गुस्सा, मैंने कहा बोला मेरे को आंग रहा है. कह रही क्यों इसके पैसे ठीक नहीं है क्या, इसके पैसे पैसे नहीं है, ये लिख के दो जो भी होगा अपने वकील से, आपने जो पैसे आपने डिपॉजिट वहाँ से अपना हिस्सा ले लेगा. मैं चुप करके साइन कर दिया हुंडी, वो चला गया. मैंने तुमने ये क्या चौप, पैसा पैसा होता है, ईमानदारी को सब आगे फलेगा, सब ठीक हो जाएगा आपका, देखिए तो सही. 2 बजे वो आदमी फिर आ गया. अरे मैंने कहा अब तू क्या कहता है यार, तेरे को हुंडी साइन करके दे दी. कहना नहीं ये मैं वापस करने, उन हुंडियाँ फाड़ दी. कहता बहन जी आपका बहुत शुक्रिया, जब हो दे देना, मुझे नहीं चाहिए. आप कैसी अच्छी औरत हैं, अच्छी देवी हैं, मैं आपकी बात मानता. मुसीबत पड़ गई, मेरे 45 ही देना पड़ा अल्टीमेटली. बट दैट वॉज शी. कितना कहूँ छोटी छोटी बातें जिंदगी में. मल्ला छोड़ा, एक एक घर जाके पहुँचे, आपको देना, हमको भी देना, हमको कुछ करना. सबके पैसे लौटा के, हर दुकानदार के पैसे दे के. एक औरत मिली थी, उसने मेरे को आज भी मिलता है, वो जिंदा है, जी करता उसको जूते जाके मारूं. उसको मेरी वाइफ को मेरी सहेली थी उसकी, उसे कहने लगी कोई बात नहीं बर्बाद हो गए तो क्या हुआ, जब फिर ठीक ठाक हो जाओगे तो हम फिर आप मिल बैठेंगे, देन यू गेट योर मनी बैक, स्टेटस बैक, विल अगेन टॉक टू यू. अरे बिकॉज योर फ्रेंड यू आर नॉट टॉक टू अस बिकॉज देयर इज नो स्टेटस, आई हैव लॉस्ट मनी. शी सेड नो डोंट वरी, जो उनका है उनको मिलेगा, जो तेरा है उनको मिलेगा. वाई यू हैव स्टिल, बट वी स्टॉप टॉकिंग टू दैट फैमिली फॉर एवर आफ्टर दैट. बट शी वॉज अगेंस्ट इट. नहीं बोलो क्यों बोले, बोलना क्या अगेन, क्या क्या याद करूँ. मेरी वाइफ बीमार हो गई तो वे पुट इंटू द हॉस्पिटल. अच्छा कमरा, अच्छा सब कुछ, बड़ा अच्छा. एक बार, दो बार, थर्ड टाइम ने सेट कि हर हार्ट प्रॉब्लम है कुछ. तो एक डॉक्टर अमेरिका से आया, उसका फिर हमने अपॉइंटमेंट ली और जाके उसका ऑपरेशन किया. वो डॉक्टर बड़ा ही खुश,
कहता मेरे 60 साल हो गए मेरे प्रोफेशन को, मैं इतना बुढ़ा हूँ, मैंने पहली बार ऐसा पेशेंट देखा है कि जो हंस रहा है। हम रो रहे हैं, वो हंस रही थी, हो गई ठीक, घर आ गए। अब मैंने घर आ गई दो चार दिन ऐसे बैठे, मैंने कहा सुन अब चलो दिल्ली चलेंगे। कह दिल्ली क्या है, डैडी है वहाँ? कहती नहीं, पापा आपके पापा हैं वहाँ? कह नहीं, मम्मी है? मैं नहीं। कह मैं क्या, तेरे तो भाई के बच्चे हैं ना, उनको जा मिल जाए? उनको क्या मिला, मैंने अपनी ये सब यहाँ है। ठीक है, नहीं आप इसलिए जाते हो क्योंकि आपका सीरियल की शूटिंग है वहाँ, वो रुकी हुई है। मैं क्या, हाँ हंस पड़ी, कोई बात नहीं। सुबह उठे, उस दिन राखी थी, तो मैं बाथरूम से ऐसे ही नहा के बाहर निकला तो सामने इससे बिस्तर पे लेटी हुई थी, शी हैज नेवर डन दैट, शी हेल्ड माई हैंड एंड पुट इट लाइक दिस, शी नेवर डिड इवन, एक अजीब से जेस्चर होते हैं, वी नेवर डिड बिटवीन अस, ऐसे करके। मैं कि क्या हुआ सर, हंस पड़ी। गीता को बोला, मेरी ये डॉटर, गीता को बोला, वो आप समझिए कि मैं यहाँ हूँ तो पीले शीशे के कुर्सी के पीछे खड़ी है, तो मैं वहाँ मार गया भी तो उसको बुलाने, दीवार थी, दीवार छा गया तो वो इधर आई, मैं उधर गया तो शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, पापा मम्मी गई। मैं आया, गंगा जल मुँह में डाल रहा हूँ, तो कहती सीरियल नहीं करना। Because it is becoming very tough for me, the lifestyle of serial making. Because पहले 25 बनाते थे, 28 बनाते थे, 26 बनाते थे, फिर लैंडमार्क्स दम सीरियल शुरू हो गया, 104 204 चलने शुरू हो गए। It became very tough to work day and night and deliver 6 and 7 serials in a week. Well, not for me. But I was giving it. But she said, no, you will not do it. मैंने सीरियल ही छोड़ दी। That day I took care.